आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स होते क्या हैं, उनकी अलामात क्या होते हैं और उनकी वजूहात क्या होते हैं, उनका इलाज कैसे किया जाता है। बेसिकली साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स एक बीमारियाँ हैं, जिस तरह जिस्मानी बीमारियाँ होती हैं, जिस तरह टीबी है, ब्लड प्रेशर का मसला है, शुगर का मसला है, दिल के मसाइल हैं, उसी तरह जो साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स हैं वो भी जहनी नफसियाती मसाइल हैं, जिसमें इंसान के दिमाग के न्यूरोकेमिकल्स डिस्टर्ब हो जाते हैं। न्यूरोकेमिकल्स के डिस्टर्ब होने की वजह से उनको सोचने का तरीका ख़राब हो जाता है, उनके बिहेवियर ख़राब हो जाते हैं मरीजों के, और वो दुनिया से कभी कभी हट जाते हैं और लोगों से डिफरेंट हो जाते हैं।